अनगड़ा प्रखंड में मां सरना की हुई पूजा। राजा डेरा के खिजरी टोली में सरना प्रार्थना स्थल 18वीं झंडी बदली स्थापना दिवस मनाया गया। सरना में 151 महिलाओं ने कलश यात्रा कर जल अर्पित कर समारोह का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक देव कुमार धान व विशिष्ट अतिथि पारस नाथू राव पहुंचे। अनगड़ा प्रखंड के गेतलसूद में अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महावीर मंडल गेतलसूद के तत्वाधान में गेतलसूद स्कूल मैदान में अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूर दूर से यहां पहुंचे अखाड़ाधारियों ने लाठी भाला तलवार चालन का हैरतअंगेज प्रदर्शन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर प्रतियोगिता में सफल रहे। प्रतियोगिता में जोरार नामकोम हाहे बलोरो नया टोली अंधी भूसुर सहित कई 12 टीम ने भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टीम को प्रथम जेरार नामकुम की टीम को द्वितीय नया टोली आनंदी की टीम को तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। झांकी प्रतियोगिता में भूसुर को प्रथम नया टोली आनंदी को द्वितीय तथा हाहे की टीम को तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। इससे पूर्व भाजपा के शशिभूषण भगत ने अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक राम कुमार पहान मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गेतलसूद महावीर मंडल के अध्यक्ष जैलेन्द्र कुमार ने किया। अनगड़ा प्रखंड में जंगल में कई जगह धधक रही है आग। अनगड़ा के जंगल में कई जगह आग लगी हुई है। गंगा घाट रेलवे स्टेशन के आसपास व चमर घाटी में जंगलों में आग धधक रही है। इस आग पर काबू पाने के लिए ना तो वन विभाग और ना ही वन सुरक्षा समिति सफल हो पा रही है। एक रेल यात्री ने बताया कि टाटी सिल्वे स्टेशन से लेकर जोन्हा तक जंगल में आग लगी हुई है, जिससे पेड़ झुलस रहे हैं। रेंजर राजेश कुमार ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए विगत 20 दिन से काम किया जा रहा है। ग्रामीणों की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने अपील की है कि जंगल में लगी आग पर काबू पाने का दिशा में सार्थक पहल करें। ओरमांझी प्रखंड में आज बुधवार से प्रखंड के पांचा गांव में आयोजित 7 दिवसीय हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन शुरू किया गया। ओरमांझी प्रखंड के पांचा गांव में आयोजित 7 दिवसीय शिव हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में अयोध्या से आई हुई कथावाचिका कृष्ण प्रिया जी महाराज यज्ञ के चौथे दिन प्रभु की अपरंपार महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम बड़े ही कोमल हृदय के हैं, भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। उनकी भक्ति से जीवन के सभी विकार दोष हट जाते हैं और मनुष्य परमानंद को प्राप्त हो जाता है। कथावाचिका ने बताया कि सांसारिक प्रेम के हमेशा कोई ना कोई स्वार्थ रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम भगवान की भक्ति भी करते हैं तो उसमें हमारी मनोभावना एवं स्वार्थ छिपा होता है। संसार के भौतिक सुख तो परिश्रम से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा केवल और केवल ईश्वर ही दे सकते हैं। इसलिए ईश्वर भक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से अध्यक्ष विजय साहू, सचिव रवि साहू, विनोद साहू, प्रभारी राजधाम साहू, प्रवीण साहू समेत अन्य लोग उपस्थित हुए। अनगड़ा प्रखंड में सरना प्रार्थना सभा में प्रकृति की रक्षा की अपील की गई। खिजरी टोली सरना प्रार्थना में झंडा बदली सा 18वीं स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक देव कुमार धान ने कहा कि विश्व का कल्याण सरना जीवन दर्शन को अपनाने का ही संभव है। इसे हमें हर हाल में प्रकृति की रक्षा करनी होगी। पारस नाथ उराव ने कहा कि आदिवासी प्राकृतिक पूजा करते हैं, प्राकृति से ही ऊर्जा मिलती है। सभा में क्षेत्र की खुशहाली, अच्छी वर्षा, फसल व आरोग्य के लिए प्रार्थना की गई। सभा को धर्म माता चारी उराव, पंसाज संध्या बांडो, हिरदू उराव, रिजु मुंडा, दिनबंधु उराव, मंटू उराव आदि ने संबोधित किया। अनगड़ा प्रखंड पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हुई। संभावित प्रत्याशियों ने किया जनसंपर्क। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद अनगड़ा प्रखंड के सभी पंचायत क्षेत्र में प्रभावित प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। प्रखंड के 21 पंचायत में 2 जिला परिषद सदस्य, 21 मुखिया एवं 23 पंचायत समिति सदस्य सहित 200 से अधिक वार्ड सदस्य का चुनाव किया जाना है। संभावित प्रत्याशियों द्वारा नामांकन के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। नामांकन के लिए जाति, आवासीय आय एवं अन्य जरूरी प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रखंड मुख्यालय में संभावित प्रत्याशियों की चहलकदमी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि नामांकन को लेकर शुभ मुहूर्त की तलाश में प्रत्याशी अभी से ही ज्योतिष पंडित पहान, भगत मौलाना आदि धर्मगुरुओं से संपर्क साध रहे हैं। सिली प्रखंड में आज बुधवार को ट्रेन की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। सिलीमुरी रांची रेल मार्ग सिलीडी के समीप प्रातः 8 बजे सिल्ली लोहापीढ़ी निवासी नागेंद्र नाथ चौधरी सिलीडी शिव मंदिर पूजा करने जा रहे थे। इसी क्रम में रेल लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। रांची रेल पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए रांची रिम्स भेज दिया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही सिल्ली कॉलेज के पूर्व सचिव रतन लाल महतो, प्रोफेसर ललित प्रसाद महतो, प्रोफेसर
ऑफिसर विजय मंडल उनके घर पहुंचे एवं परिवार का ढांढस बांधा। पिताजी कैसे घटना घट रही? पूजा करने आ रहे थे, आज सुबह नहा नहान करके शिरडी बाबा में पूजा है ना, वही पूजा करने आ रहे थे। घटना कितना बजे का है? ये सुबह करीबन 8 बजे आसपास होगा, 8:30। दुकानदारी सब कुछ लगाते हैं ठेला, हम लोग गरीब आदमी तो लगाए थे, लगाने के बाद पूजा वूजा करने नहा धो के आ रहे थे और हमको खबर मिला। तमाड़ प्रखंड में सड़क मरम्मत को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। तमाड़ प्रखंड के लाइफ लाइन सड़क बंद हो जाने से ग्रामीणों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। 52 किलोमीटर इस सड़क पर पैदल चलना भी दुर्लभ हो गया है। जगह जगह पर बने पुल टूट गए हैं, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। उक्त सड़क की अविलंब मरम्मति के लिए ग्रामीणों ने सांसद प्रतिनिधि अनूप साहू के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। सिली प्रखंड के उमा चरण मांझी को जूनियर मिस्टर इंडिया में मिला कांस्य पदक। एकलव्य स्टेडियम आगरा यूपी में इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन द्वारा 8 से 10 अप्रैल तक आयोजित जूनियर मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में उमा चरण मांझी ने कांस्य पदक जीतकर सिली का गौरव बढ़ाया है। सिली के कुसुम टिकरा गाँव के निवासी उमा चरण मांझी श्याम नेशनल जिम मोरी के प्रशिक्षु है, जिन्होंने झारखण्ड राज्य की ओर से प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। उनके इस जीत पर झारखण्ड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सचिव मनीष चंद्रवंशी, श्याम नेशनल जिम के कोच वद्दाधर महतो, अभय कुमार, पिंटू महतो, जिम संचालक कृष्ण सहीस, महिपाल कुमार आदि ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सिली प्रखंड में 3 माह से अधिक समय से फरार अभियुक्ति को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा गया। सिली पुलिस ने 3 माह से अधिक समय से फरार अभियुक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि सिली थाना कांड संख्या 4/22 जो दिनांक 14 जनवरी से 3 माह से अधिक समय से फरार था, अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ सुनील स्वासी गांव मांझी टोला बुंडू के निवासी है, गिरफ्तार कर आरोपी को सिल्ली के बंता के समीप गांव टेरेर के रहने वाले नाबालिग को बनता स्कूल से वापस लौटने पर दोपहर 2 बजे आसपास उसी रास्ते से प्रेमी बड़ा चुंगरू निवासी कर्मपाल सिंह मुंडा तथा उनके जीजा बुंडू निवासी साथ मिलकर अगवा कर जंगल में उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा क्योंकि उक्त नाबालिग से कर्मपाल का प्रेम संबंध चल रहा था एवं शादी का दबाव बना रही थी। घटना के 21 दिन बाद सिल्ली पुलिस ने पास के ही चुटिया जंगल से नाबालिग का शत विशत शव को बरामद किया था। मुख्य आरोपी कर्मपाल सिंह को एवं उसके जीजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सिली प्रखंड में आज बुधवार को सिल्ली की जेल भरो आंदोलन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। आसू पार्टी जेल भरो आंदोलन अब पार्टी के संकल्प दिवस पर आगामी 22 जून को होगा। ज्ञात हो कि स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर जेल भरो आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था एवं इसको लेकर व्यापक तैयारी भी की जा रही थी। इसी की जानकारी देते हुए केंद्र संगठन सचिव जयपाल सिंह ने कहा कि केंद्र नेतृत्व के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 14 अप्रैल को होने वाला जेल भरो आंदोलन अब संकल्प दिवस यानी 22 जून को होगा। वहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर पूरे विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ता नेता एवं कार्यकर्ता बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित कर 7 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा करेंगे। सिली प्रखंड में आज बुधवार को SPL के लिए टीम का चयन किया जाएगा। सिली प्रखंड में आज बुधवार को हिंडालको एल्युमिनियम क्लब सिली मोरी में होने वाले प्रीमियर लीग के लिए आज 13 अप्रैल को टीम का चयन किया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य प्रवीण मिश्रा ने सिली विधानसभा के खिलाड़ी जिन्होंने खेल के लिए अपना नामांकन करवाया है क्लब में पहुँचने की अपील की गई है।